राहुल बोले, अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की आर्थिक हालत को देखकर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक लेख का हवाला देते हुए ट्वीट किया है, अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, माहौल बिगड़ गया है। प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास ना तो समझ है ना ही समस्या का ठीक करने की योग्यता। कांग्रेस नेता ने कहा है कि यह सिर्फ बात नहीं है, यह सिर्फ समय भी नहीं बदला है, यह बदला है सिर्फ काम करने वाले लोग। उन्होंने कहा है कि हर भारतीय को इस स्थिति के बारे में समझ आ जाएगा। बता दें कि मनमोहन सिंह ने सोमवार को अंग्रेजी दैनिक द हिंदू में लिखे एक लेख में कहा था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करना बहुत जरूरी है तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का आधार पूरे विश्वास को बहाल करना है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के संदर्भ में कुछ उपाय भी सुझाए हैं। देश में कोरोना वायरस का मामला काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि पाबंदी और लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18 लाख के पार पहुंच चुका है। हालांकि 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 का आगाज हो चुका है, इसके बावजूद औसतन हर दिन 50,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत में कोरोना सबको होगा या भारत सरकार कोरोना को सीरियस नहीं ले रही है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।